कि अपने YouTube चैनल सेटअप पे दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की उनतरिया शिक्षक भर्ती के संबंध में। साथ से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में, दोनों की महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आंसर के मुद्दे की सुनवाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने बताया आपको कि सरकार ने इस पर काउंटर दाखिल करके एफिडेविट लगा करके यहाँ पर जो 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, इसलिए यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जब आज बात कही गई तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट मानते हुए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सरकार तरफ से भी कहा गया कि 2 सप्ताह तक हम इसको चेक करेंगे कितने प्रैक्टिस में आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर जो अगली हम सुनवाई में अपना पक्ष स्पष्ट कर रख देंगे। ठीक है, तो आपकी सुनवाई लग गई है, वो अब आंसर के मुद्दे की सुनवाई है वो लगी है अब 16 तारीख को, यानी 16 तारीख को आपकी सुनवाई होगी आंसर के मुद्दे के लेकर, लगभग ये फाइनल सुनवाई होने वाली है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है इस केस की लगभग जो है फाइनल सुनवाई होगी वो 16 तारीख को होगी, 16 सितंबर को होगी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि एक जो मुद्दा है जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल से चुकी समझिए दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया, यहाँ पर लिखा गया जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 के संशोधित परीक्षा फल के संबंध में शासनादेश दिनांक 30/8/2022 में दिए गए निर्देशों अनुसार पूर्व घोषित परीक्षा फल दिनांक 15/11/2021 को निरस्त करते हुए संशोधित परीक्षा फल संभावित दिनांक 7/9/2022 तक घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है आपका जो परिणाम है वो लगभग 7 तारीख के आगे पीछे, यानी 7 तारीख को आपका परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जब जो लगभग यहाँ पर जो है 1 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, तो उसका जो रिजल्ट है वो अब 7 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ऐसा एक विज्ञप्ति जारी करके बताया गया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो 7 तारीख को घोषित कर दिया गया, यानी 7 सितंबर को घोषित कर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं 1800 शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो उससे यहाँ पर जो है 1800 शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पर अभ्यर्थी लगे हुए हैं हाईकोर्ट में, और शाम तक जैसी भी कुछ अपडेट निकलती है तो आपको जानकारी दे देंगे। हो सकता है आज इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना भी जारी हो सकता है 800 के बारे में, अगर कुछ जारी होता है तो आपको जानकारी दे देंगे।